चंदावा साहब, गुंदुता साहब जी, सचिन पायलट जी, टीकाराम जोली जी, शाले मामा जी, महेंद्र चौधरी जी, कान सिंह उचाला जी, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी कुंती देवड़ा, नरेश जोशी जी, सलीम खान साहब, राजेंद्र सोलंकी जी, महेंद्र बिश्नोई जी, राजा जी मेघवाल, कृष्णाराम जी बिश्नोई, रमेश बराना जी, मनीषा पवार, विक्रम सिंह बिश्नोई, उमेश सिंह जी राठौर, शहराज खान और प्रकाश चंगानी जी, चताराम देशबंधु, सचिन सरवटे, कीर्ति भील, अब्दुल करीम जॉनी, उमेश सिंह जी तंवर, जसवंत कछवावा जी, गणपति चौहान, अजय गोरी जी, मजीद गोरी जी, कुम सिंह जी पादावत, आनंद पुरे जी और विशाल जहांगीर जी, छोटू उस्ताद, इरफान बेलीम जी, तमाम हमारे अग्रिम संगठनों के प्रकोष्ठों के और पी सी जी पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्षगण, पार्षदगण, पूर्व पार्षदगण और तमाम हमारे जितने नेता आए हैं गाँव से, पंचायत समिति के सदस्य भी आए हैं, जिला परिषद के सदस्य आए हैं, सरपंच आए हैं, गाँव वासियों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे खुशी है कि आज उचाड़ा साहब के नामांकन के शुभ अवसर पर जो यहाँ इस ऐतिहासिक स्टेडियम में जो आज ये आप लोग पधारे हो, ये अपना आप एक संदेश है। इतनी भारी भीड़ बहुत लंबे अरसे बाद इस स्टेडियम में हुई है, तो ये अपना में संदेश है जीत का, आपके आशीर्वाद का, आपका प्यार का, आपकी मोहब्बत का, आपका विश्वास का। कर्ण सिंह ने खुद ने जो भाव प्रकट किए वो बेमिसाल थे। दिल से बात करी, दिल से बात करी। एक इनोसेंट व्यक्तित्व होता है जो बोलता है तो दिल से बोलता है, वो उसी प्रकार की उन्होंने अपने भाव प्रकट किए। उसके लिए मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से उनको साधुवाद देता हूँ। उनका भविष्य उज्जवल हो, वो कामयाब होकर जाए। पहला इलेक्शन लड़ा था मैंने जब पार्लियामेंट का, इसी स्टेडियम में मैं आया था इंदिरा गांधी जी के साथ में, और क्या माहौल था, वही माहौल मुझे आज दिख रहा है यहाँ पर, आज दिख रहा है। इसके मायने हैं कि जीत पक्की है, बस चलते कि आप जो है जहाँ जाओगे तो गांव गांव में, ढाणी ढाणी में आप संदेश लेके जाओगे। हम सबका चुनाव चुनाव होता है, चुनाव चुनाव होता है, चुनाव चुनाव होता है, परंतु माहौल बदल रहा है। उम्मीदवार हमारे अच्छे हैं, सभी उम्मीदवार घोषित हुए, शानदार उम्मीदवार हैं। बीजेपी से भारी उम्मीदवार हमने दिए हैं, हमारे हाईकमान खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने दिया, खुद बैठते हैं मीटिंग के अंदर। करण सिंह जी का फैसला उन्होंने बैठ के किया है, बाकी हम सब लोगों ने राय दी है। तो आप सोच सकते हो कि उम्मीदवार हमारे अच्छे हैं, दो बार वो जीते, 25-25 सीटें हैं, 10 साल में क्या काम किया ना, तो लोकसभा के जोधपुर के एमपी के बारे में हम कह सकते हैं, कोई बात राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट के बारे में कह सकते हैं, कोई मुद्दे उठाए नहीं उन्होंने। तमाम लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से डरते हैं, अपने क्षेत्र की, प्रदेश की कोई समझ उठाने में सकते हैं। इन हालातों में देश चल रहा है, खतरनाक दौर चल रहा है, लोकतंत्र को खतरा है, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की धज्जा उड़ रही है, ये आरक्षण भी खत्म कर सकते हैं, 400 पार की बात क्यों कह रही है, इनको संविधान संशोधन करने हैं, कई तरह के नया कालखंड बनाएंगे, मोदी जी ने कहा है। आप सोच सकते हो उसके मायने क्या है। इतने मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, क्योंकि अभी पाली जाना है संगीता बेनीवाल के प्रोग्राम के अंदर, लेट हो रहे हैं हम लोग। मारवाड़ की सीटें भी अच्छी मिली है, करण सिंह उचाड़ा जोधपुर से, संगीता बेनीवाल पाली से, वैभव गहलोत जालोर सिरोही से, उमेद राम जी बाड़मेर से, हनुमान बेनीवाल जो एलायंस हुआ है नागौर से। जब मारवाड़ में ये माहौल है तो ये माहौल आपको पूरे प्रदेश में दिखेगा। मुझे लगता है इस बार परिणाम चौंकाने वाले आएंगे राजस्थान के अंदर भी और देश के अंदर भी, ये मैं मान के चल रहा। कार्यकर्ता अगर हमारे खड़ा हो गया मजबूती से, कोई हमें हरा नहीं सकता। जनता
तय कर चुकी है, जनता का रोबस्ट कमेंट है, बहुत ही संगीन है, शानदार है, वो समझ जाती है कि देश में हो क्या रहा है। दो दो मुख्यमंत्री जेल भेज दिया, इलेक्टर बॉन्ड से घोटाले कर दिए खुद ने, ईडी को भेज भेज के डराए धमकाए और बॉन्ड खरीद लिए, चंदा दो धंधा लो, क्या मजाक बना रखी है। कांग्रेस के अकाउंट बंद कर दिए पॉलिटिकल पार्टी के, देखा होगा आपने अमेरिका ने और जर्मनी ने एतराज किया, आप अपने दो मुख्यमंत्री बंद कैसे कर सकते हो देश के अंदर, केजरीवाल को बंद क्यों कर दिया आपने, पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए, और कांग्रेस 12 अकाउंट बंद कर दिया आपने AICC के। संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है आप चुनाव में गए हो, एक मुख्य पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस है देश की, आपने उनके खाते बंद कर दिए, तो चुनाव कैसे लड़ेंगे वो लोग, उनके उम्मीदवार चुनाव कैसे लड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ बोल रहा है मतलब 1500 मेंबर जो दुनिया भर के मुल्क उसके मेंबर हैं हिंदुस्तान सहित, वो बोल रहे हैं इन हालातों में चल रहे हैं, आप सोच सकते हो कि चैलेंज बहुत बड़ा है। आशंका उन्हें लग गई है अगर मोदी जी जीत गए तो आगे चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे, इतना खतरा मंडरा रहा देश के ऊपर, इसलिए बात कहने की बहुत सारी है। आपके लोकल MP साहब ने तो कभी ध्यान दिया नहीं, और इंदिरा गांधी कैनाल की जो लिफ्ट कैनाल राजीव गांधी की, जोधपुर तो पानी मिल रहा है शहर में गांव में मिल रहा है और उसकी बढ़ोतरी कर रही है, वो तीसरा फेज भी हमें पैसा खर्च करना पड़ रहा है, 1400 करोड़ रुपये हमने दिए। इंदिरा गांधी कैनाल का पानी हमारे अध्यक्ष जी के जिले में आया है, क्षेत्र में आया है, लक्ष्मणगढ़ में भी, सीकर में भी, झुंझुनू में भी, हमारे वक्त में आया है। ERCP का धोखा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद वादा करके उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। नर्मदा का पानी आया तो हम लेके आए सांचौर में जालौर के अंदर, पीने का पानी हो चाहे वो सिंचाई का पानी हो, ये बात करते हैं जमुना का पानी की झुंझुनू के लिए आभार व्यक्त करने लग गए हैं, झूठ बोलना तो इनकी फितरत के अंदर है। ये पानी के मंत्री है, ये पानी के मंत्री बने थे, राष्ट्रपति भवन में मीटिंग थी वहाँ पर नीति आयोग की, मैं भी था मौजूद, मैंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया आपने पीने का पानी और सिंचाई के लिए अलग आपने मंत्री बनाया, मंत्रालय बनाया है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि राजस्थान के लोग पीने के पानी को लेकर समझते हैं उनका क्या महत्व है, अकाल चूंकि पड़ते रहे हमारे यहाँ, हमारे लोगों ने मजबूती से मुकाबला किया उसका, हम जानते हैं क्या महत्व है, अच्छा काम आपने किया। हमारे यहाँ के जोधपुर का मंत्री पानी का इरिगेशन का, उसने देश में क्या किया और राजस्थान में क्या किया, विज्ञापन देने माए ले लो, जल जीवन मिशन हर घर में जल पहुँचेगा, पूछो 45% भारत सरकार का हिस्सा, 45% राजस्थान सरकार का हिस्सा उसके अंदर है, और 10% गांव वालों इकट्ठा करना था, शायद आपको मालूम होगा राजस्थान गवर्नमेंट एकमात्र गवर्नमेंट है देश के अंदर जिसे कह दिया गांव से इकट्ठे नहीं करेंगे, 10% गांव वालों हिस्सा भी राजस्थान गवर्नमेंट भरेगी घर घर जल पहुँचाने के लिए, तो आप सोच सकते हो। इस प्रकार से हम लोगों ने कोशिश की राजस्थान विकास की, बाकी तो अभी एलिवेटेड रोड के बारे में बता दिया आपको, गडकरी जी को मैंने कहा था, मैंने अपने बजट के अंदर अनाउंस किया पहली बार एलिवेटेड रोड का, ढोल धमाके हो गए, वो तो बाबू सिंह राठौड़ बोला यहाँ पर, करण जी ने बोल ही रहे हैं, उनके बारे में क्या बात करें, संजीवनी अपने आप में बड़ा घोटाला है, आप बताइए 1.5 लाख लोग बर्बाद हो गए, 1.5 लाख 80% लोग राजपूत है उसके अंदर, और मांग क्या करें हम लोग, भाई आपका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर है, आपके परिवार का है, मैंने बोल दिया तो मेरे खिलाफ में DPMA ने केस दिल्ली में कर दिया है, 12 पेशी हो चुकी है, मैं खुद मौजूद रहता हूँ पेशी के अंदर, आप बताइए। अरे इनको चाहिए था, अगर मैंने कहा है तो मैंने इसलिए कहा भाई आप क्योंकि इस पद पे भी हो,
आपके मित्र लोग बैठे जेल के अंदर बैठे हुए संजीवनी वाले, आपका इन्वॉल्वमेंट था, देश विदेश में आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ संजीवनी के माध्यम से, गरीब आदमी मेरे पास आए, उनके आंखों में आंसू नहीं आ गए, हम लोगों के आंखों में आंसू आ गए जो सुन रहे थे उनकी बातों, 50 लाख 25 लाख 1 करोड़ 2 लोग 2 करोड़ पैसे डूबे उन लोगों के, क्या गलत काम है भाई, क्या गलत कहा, बाड़मेर के लोग हों, जोधपुर के हों, राजस्थान भर के लोग आए जयपुर मेरे पास में, इतना बड़ा घोटाला है, कोई चिंता ही नहीं लोगों को, एक ऐसा एमपी मिल गया 10 साल में वो कोई उनकी उपलब्धि नहीं रही, कोई उपलब्धि बताए वो एक भी पता कि मैंने ये काम बड़ा काम किया है। हमारे वक्त में 2 ट्रेन चलती थी, मैं एमपी बना, एक दिल्ली मेल एक आगरा फोर्ट चलती थी, दौड़ गेट आ गई, इतनी ट्रेन चलती मुझे नहीं मालूम है, आज पूरे 30% जुड़ गए, IIT आ गई, एम्स आ गया, क्या नहीं हुआ जोधपुर के अंदर, लॉ यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, कृषि यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी, जो देश में कहीं पे भी नहीं है गुजरात के अलावा, और तो अभी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोल दी मैंने अभी नहीं जोधपुर के अंदर, फिनटेक यूनिवर्सिटी अलग खोल रही है IIT के लोगों के लिए, इतने काम जोधपुर में हो गए, सारी संस्थाएँ जो है प्रतिष्ठित संस्थाएँ जोधपुर की, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, निफ्ट यहाँ पर है, FDDI यहाँ पर है, सारी संस्था हिंदुस्तान के एक साथ में किसी शहर में नहीं होगी, वो तमाम आपको जोधपुर में मिलेगी, ये स्थिति बन गई। इसलिए मैं अपील करना चाहूँगा आप लोगों को, काम की कमी रखी नहीं, आगे काम करने से नहीं करे, जो हमने काम किए बढ़ाने काम करें, हम सबका सहयोग उनके साथ रहेगा, ये आपको विश्वास दिलाने के लिए आए हैं, खाली चुनाव में वोट मांगने नहीं आए हैं, चुनाव के बाद में भी करण सिंह जीत के जाए, हम चाहेंगे कि आप सबके सहयोग से आप अनुभव को काम लें, हम लोग पूरा सहयोग करेंगे इनको, हम चाहेंगे कि आप सबकी आवाज़ जोधपुर की आवाज़ लोकसभा के अंदर बुलंद हो, और जो भाषण उन्होंने दिया है आप सोच सकते हो कि किस प्रकार आपकी आवाज़ बुलंद होगी, आप खुद कल्पना कर सकते हो, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, एक मजबूत नेतृत्व मिल रहा है आपको, जो धार्मिक भी है, जो सुन लिया आपने धर्म की बातें उनसे, फिर क्या चाहिए, वो राम राम की बात करें भाई, राम भक्ति, हम लोग राम भक्ति नहीं है क्या, गांधी जी की जो हत्या हुई थी अंतिम समय निकले हे राम, बचपन में राम राम बोलते आए हैं, राम गटगट के अंदर है, तो आजकल ये सर्टिफिकेट देने लगे हैं कौन राम भक्त है कौन राम भक्त नहीं है, हिंदुओं को भी डिवाइड करें आपस के अंदर, तुम राम भक्त हो तुम राम भक्त नहीं हो, ये कहाँ दिया कि देश को बता दीजिए आप लोग, बड़ी खतरनाक स्थिति से हम गुजर रहे हैं, इसलिए मैं लंबी बात नहीं, हमारी बहनें माताएं बहुत बड़ी संख्या में आई है, हमारी सरकार ने जो योजना बनाई थी एक से बढ़कर एक बनाई थी, पहली बार राजस्थान चर्चे में आ गया देश भर के अंदर, पहली बार आया, इतनी स्कीम बनाई, हमारी स्कीमों की चर्चा उड़ीसा में भी, बंगाल में भी, कर्नाटक में भी, UP में भी कहाँ नहीं हो रही थी, फिर भी चुनाव नहीं जीत पाए, मोदी जी ने, इनके मंत्रियों ने, इनके 5-5 मुख्यमंत्रियों ने इतना झूठ आया के बोला, कन्यालाल का केस वो मर्डर वाला उदयपुर का, 5 लाख दिए हिंदू को, 50 लाख दिए मुसलमान को, झूठ आरोप लगा दिया हमारे ऊपर, मीडिया में उसको फ्लैश कर दिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर बदनाम किया हम लोगों को, झूठे आरोप लगा लगा के चुनाव जीत के आ गए, इतने रेप हो रहे हैं, डकैती रोज रेप हो रहे हैं राजस्थान के अंदर, रोज डकैती हो रही है, उदयपुर में होगी, जयपुर में होगी, परसों झूठ बोल करके आरोप लगा के आ गए। अब मैं कहना चाहूँगा इस मंच से, अब वो कैंपेन के लिए आ रहे हैं, हो सकते तो जोधपुर में करण जी के खिलाफ में आए, प्राइम मिनिस्टर आ जाए, अमित शाह जी आ सकते हैं, आपको चाहिए उनको पूछो, जो आरोप लगाया आपने असेंबली के वक्त में, पहले उसका जवाब दो, झूठे आरोप क्यों लगाया आपने, क्या जवाब है आपके पास में, उसे शुरुआत करो, तब उनकी पोल खुलेगी। मुझे उम्मीद है कि जो माहौल मैं देख रहा हूँ, मैं फिर कहना चाहूँगा कि माहौल मुझे 1980 वाला नज़र आ रहा है, लगता है आप लोग तय करके आए हो, और भारी बहुमत से कोई मतभेद नहीं है, आप पर सब मिलकर चुनाव लड़ें, चुनाव लड़वा रहे हम लोग राजस्थान के अंदर, आप लोगों से मेरी अपील है, कोई मतभेद नहीं रखे, कौन सा है, कैसे उम्मीदवार है, क्यों आ गया, सब बातें हम कहने का हक रखते हैं हम लोग,
फैसला करते हैं, खड़गे साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी करते हैं। तो ये हाईकमान का उम्मीदवार है, आपसे मेरी प्रार्थना है कोई कमजोरी नहीं दिखाए, कोई ग्रुप पड़े की बात नहीं करे। आज कांग्रेस संकट में है, देश संकट में है, ये खाली करण सिंह का चुनाव नहीं है, ये देश के भविष्य का चुनाव है, ये समाज के भविष्य का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, ये संविधान को बचाने का चुनाव है। ये बहुत मैं बात गंभीरता से कह रहा हूँ, हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर, आप सुनते होंगे, सोशल मीडिया, यूट्यूब देखते होंगे, मीडिया तो गोदी मीडिया बन गया है, लड़ता मोदी जी के ईडी से, इनकम टैक्स, सीबीआई से, कुछ दिखाई नहीं पा रहा है। मुख्य मीडिया जो आपका टीवी वाले जो है, प्रिंट मीडिया नहीं दिखा पा रहा, लिख रहा है नहीं लिख पा रहा है, खाली जो यूट्यूब वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, वो दिखा रहे, जम के बात करते हैं, साहित्यकार, पत्रकार, लेखक, मालूम पड़ता हो क्या ना देश के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, मेरी मार्मिक अपील है, आप लोग सब मिलकर के प्लीज़, आप लोग गांव-गांव जाकर के चुनाव तक 26 तारीख तक आपको इसी उत्साह के साथ बैठना है, काम करना है, और करण सिंह को आशीर्वाद देकर कामयाब करके जाना है। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।